तो चलें। वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ झारसुड़ा का काफी फेमस और खूबसूरत जगह। गेस करो क्या होगा। तो आज हम चल रहे हैं कोइलीघुगर। ये झारसुड़ा टाउन से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं अभी रास्ते में हूँ, बेलपहाड़ पहुंचने वाला हूं। उसके बाद हम लोग लखनपुर ब्लॉक तरफ जाएंगे। और कोइलीघुगर का नाम आप लोगों ने पहले से ही सुना होगा, सैकड़ों लोग यहां हर साल जाते हैं। तो आज मौसम अच्छा है तो मैं भी सोचा कि चलो इसी बहाने घूम के आ जाते हैं कोइलीघुगर। ये अभी हमने बेलपहाड़ म्यूनसिपालिटी क्रॉस किया और हम जा रहे हैं लखनपुर ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे कोइलीघुगर है। कोइलीघुगर जाने के लिए हमें इस गोविंदपुर चौक से राइट लेना पड़ेगा। इसके आगे हम कुत्रापाली गांव को देते हुए जाएंगे। लगभग 1 किलोमीटर है और कोइलीघुगर। तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ अपना टिकट कटवाया, कार पार्क किया हूँ, पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है। और यहाँ से अगर आपको कुछ खाने का सामान भी लेना है तो स्नैक्स के लिए भी यहाँ पे कुछ कुछ जगह हैं, कुछ लेके आराम से जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़, बंदरों से ज़रूर बचिएगा, क्योंकि यहाँ आपके हाथ में कुछ भी अगर आता है तो बंदर झपेटा पहले मारेगा। तो चलिए आज आपको यहाँ की खूबसूरती से रूबरू करवाता हूँ। तो ये है कोइलीघुगर, यहाँ पे शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत अच्छा झरना भी है। तो ये है कोइलीघुगर का प्रसिद्ध शिव मंदिर। तो थोड़ा दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ के नज़ारों की हम बात करेंगे। और जब भी आप यहाँ पे आओ तो शिवलिंग को जरूर छूट के जाओ। यहाँ पर मैंने उतर के आया, सावधानी के साथ आया, आप भी ऐसे ही आइए सावधानी के साथ। और शिवलिंग को एक बार आपको बता दूँ। ये जगह पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छा है और लोग सर्दियों के महीने में यहाँ पे आते हैं।
और आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जो छुट्टियों के दिनों में यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है और लोग वहाँ पे खाना भी बनाते हैं, आराम से अपनी फैमिली के साथ आके बैठते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है, शांत भी लगता है। जैसे कि मैंने कहा, अभी यहाँ पे आप देखेंगे एक साइड में पानी है और दूसरे साइड में इतने पहाड़ सब हैं। तो ये झारसुगड़ा के अंदर, मतलब एक बोला जाए तो झारसुगड़ा का सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह अगर देखा जाए तो कोइलीघुगर ही है। ये है कोइलीघुगर का ऊपर का व्यू और झरना बहुत दूर से यहाँ पे आया है और वो एक बाबा का आश्रम भी है और इसका नीचे का व्यू भी हम जाने वाले हैं, नीचे तक जाने वाले हैं, कहाँ तक झरना गया है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो मेरे साथ आप चलिए। मैं नीचे जाने ही वाला था लेकिन यहाँ पे खड़े हो गया और यहाँ से मतलब पूरा कोइलीघुगर आपको अच्छे से दिखेगा, जिसमें झरना भी है, मंदिर भी है और पहाड़ भी आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो जब भी यहाँ पे आए इस एंगल से एक बार व्यू लेके देखिए, मज़ा आ जाएगा। ये है इसका नीचे का व्यू, यहाँ से आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, झरना बह रहा है, मंदिर भी दिख रहा है, मन तो कर रहा है कि यहीं पे ही रह जाऊँ। तो यहाँ की कुछ स्टोरीज़ भी हैं जिनमें से मुझे भी कुछ के बारे में यहाँ से पता चला। जैसे कि पहला स्टोरी ये है कि यहाँ पे कई समय पहले एक सांप रहता था जो यहाँ के गांव के आसपास के लोगों को परेशान करता था। तो गांव वाले लोग जाके भगवान शिव के पास गए, उनसे विनती की कि वो यहाँ पे बहुत लोगों को सांप जान ले रहा है। तो इसके वजह से शिव भगवान आए और उस सांप को जहाँ पे मारे, उनका जहाँ पे पूंछ को कुचले, वहीं से ये झरना की शुरुआत हुई। और इसके अलावा और भी एक कहानी है कि कहते हैं कि यहाँ पे एक भगवान रहते थे और वो अपनी मधुर, जैसे कि आसपास के गांव में किसी के पास भी गाय अगर वहाँ से गायब अगर हो जाते थे या भी कहीं चले जाते थे तो यहीं पे ही मिलते थे, क्योंकि वो जो भी यहाँ पे एक भगवान जो थे वो अपनी मधुर वाणी से, जैसे कोयली, जैसे कोइलीघुगर का नाम भी ऐसी के आपको कोयली का मतलब भी ऐसे होगा, थोड़ा कोयल के जैसा या फिर थोड़ा मधुर वाणी, तो वैसे ही यहाँ पे आके सारे गाय भी मिलते थे, उनकी मधुर वाणी सुनते थे। तो ऐसे कहानियाँ भी हैं, तो और भी ऐसे कई रहस्य हैं। अगर आपको भी अगर इसके बारे में कुछ पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इसके बारे में और लोगों को पता चले। फिर मंदिर और भी काफ़ी खूबसूरत व्यू, या जंगल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, देखना है
कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है और ये रास्ता किधर जाता है। तो एक तरफ आपने देखा झरना, पहाड़ की चोटी, और दूसरी तरफ यहाँ छोटा सा गांव बसा हुआ है। फाइनली अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ क्योंकि शाम ढल चुकी है। सारे लोग यहाँ जो भी आए थे पिकनिक मनाने के लिए सारे लोग जा भी चुके हैं। यहाँ से आपको बंदर ही दिखेंगे अब। फिर मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप जब भी आइए थोड़ा सेफ्टी के साथ आइए और ये जगह पे इंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा, दिल खुश हो जाएगा। और अगर आपको ब्लॉग अगर अच्छा लगे या इस जगह के बारे में अगर आपको और भी कुछ जानकारी अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे व्यूअर्स उसको देखेंगे। तब तक के लिए मैं विदा देता हूँ। देखते रहिए हमारे चैनल को और अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबाना ना भूलिए।